चलो ब्रो, 1 2 3 गो, चलो चलो। पर हमारी हालत देख के विश्व भैया ने सारा कूलर हमारी तरफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच भैया। डॉक्टर साहब, आपने मेरे जूते की जान बचा ली, धन्यवाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और सुबह के 5:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। मौसम एकदम क्लियर हो गया, रात भर बारिश हुई थी काफ़ी, और देखा भी था आपने। अभी फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि आ जाओ फटाफट, कि मोस्ट प्रॉब्ली 99% की अभी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम वहाँ पर जा रहे हैं और पैराग्लाइडिंग करेंगे, एडवेंचर करेंगे। मैं 360 लेके जा रहा हूँ और GoPro आई थिंक वो बना के देते हैं उसका, पर आई एम टेकिंग 360। सो मिलता हूँ पैराग्लाइडिंग में, ठीक है? सो लेट्स एंजॉय टुगेदर, जुड़े रहिए। तो हम स्काई कैंडी पे, और देख लो भैया इनके जो नंबर्स हैं वो लिखे नंबर्स ऊपर भी है, नंबर्स यहाँ पे भी है, नंबर्स, ठीक है, ईमेल भी लिखी है। बाकी करके आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा रहा सब कुछ, ठीक है? हाँ भाई प्रशांत, ये लिखा था हम दोनों को साथ, फैल्कन्स को फैल्कन्स बनना साथ लिखा था भाई। यार ये तो मतलब कमाल की बात है कि बीइंग फ्रेंड्स, बीइंग द राइडिंग पार्टनर्स सिंस स्टार्ट, और नाम जो फैल्कन रखा, फिर उसके बाद एक्चुअली आज हम उसे उसको मीनिंग देने जा रहे हैं। Here we go. Whoa. दोस्तों एटलीस्ट यहाँ पे ना अभी तक तो ये लग रहा है कि वैसी भीड़ नहीं है जैसे मैंने पिछले वीडियो में, जो मैंने आपको कुल्लू मनाली में दिखाया था। शायद धीरे धीरे हो जाए। सो अभी सुबह का टाइम ये भी बढ़िया है कि इफ़ यू वांट टू, एक तो सनराइज हो रहा है, ब्यूटीफुल क्लीन वेदर है, और उधर वो देख बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। ओह वाह, सामने इससे नहीं दिखेंगे पर उधर पूरी रेंज दिख रही है बर्फ़ के पहाड़ वाली। एंड पता है अभी वो भीड़ भी नहीं है, जो ट्रैफिक से नहीं होता एक के पीछे एक बहुत सारे। सो एनी वे अभी हम थोड़ी देर में बस उड़ने वाले हैं एंड बिकमिंग अ फाल्कन्स, एंड उसके बाद ऑन द वे आपको मिलेंगे हवा में, ठीक है? चलो प्रशांत, नाउ इट्स टू लेट, गो 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 गो, भागो भाग 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 भाग, जोर लगा। मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस, चलो ब्रो, 1 2 3 गो, चलो 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 चलो, चलते रहो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, इसको दिखाना मैं गया ब्रो। मेरे पास दे दो इसको, ये वाला पूरा टोटल। वो रही एक मॉनेस्ट्री सामने, हाँ ये भी मॉनेस्ट्री है, जो येलो शेड दिख रहा है ना आपको, हाँ नहीं वहाँ पे, वहाँ पे वो, हाँ वो भी मॉनेस्ट्री है, मॉनेस्ट्री। तो लैंडिंग साइट कौन सी है? ये रहा आपका लैंडिंग साइट। अच्छा जो वो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बीच में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं, जो पुराने घर है वही है। अच्छा अच्छा, तो आप लैंडिंग सोलो काफी बड़ी है। वो रहे हमारे बंदे, हां अच्छा हो रहा है, जैसे कि स्लो हो।
बता देना। अगर टेल विंड में करेंगे तो पैर ऊपर करने जो मैं बता दूँ कर दो नॉर्मली ऊपर ऊपर। ओके जी इसका हाँ वहाँ पे देखना दीजिए भाई किधर ओ सामने कैमरा मैन को ओके हल्ड कर मैंने बोला बात ओके हल्ड कर हाँ अपने फ्रेंड पास जाओ मैं आ परफेक्ट टेक ऑफ परफेक्ट लैंडिंग आसमान में ऐसा चल रहा था कि मतलब हल्का सा भी नहीं हिला पता भी नहीं चलता चला भी ऐसा स्मूथ मैं कहा शाम तक बिठाए रखो भैया मुझे ना जाना कहीं भी। सो दोस्तों ऑसम एक्सपीरियंस था। अभी हम वापस लैंड कर गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे बाइक खड़ी करी थी उन्हीं की गाड़ी से। अभी मेरे पास अभी मैं शेयर नहीं कर सकता एक्सपीरियंस। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में आराम से मिलके आपसे बात करता हूँ। बाकी पीछे अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे वो पैराग्लाइडिंग्स हो रही हैं तो ऊपर वहाँ से वो लॉन्च करते हैं वहाँ पे कहीं पहाड़ से और सामने ऐसे पूरा घूमते घामते वहाँ पे आगे कहीं लैंडिंग साइट है। सो यहाँ से मस्त दिखता है वो सब जा रहे हैं ऊपर आसमान में। सो इट्स ब्यूटिफुल। सो एनी वेज रही बात एक्सपीरियंस की भाई ऑसम बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और सुबह क्या है बिल्कुल ना खाली था जब मैंने करा तो जब मैंने पहले ही वीडियो बताया था कुल्लू में जो भीड़ वाला वीडियो जो मैंने बनाया था ना कि मतलब खतरनाक ऊपर ही होता है सेफ्टी जब यहाँ पे एक्चुअली ना बहुत कम है अभी पता नहीं यहाँ कितने होते हैं वहाँ के हिसाब से तो बहुत कम है। और जब हमने सुबह करी तो बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि थे ही नहीं मतलब जब मैं आसमान में था तो उस टाइम पे ऑलरेडी बस 3-4 होंगे वो भी नीचे थे। और सुबह का टाइम मेरे को लगा बेस्ट है इन पहाड़ों के पीछे से सनराइज़ हो रहा था जैसे आपने अभी फुटेज देखी होगी पीछे सनराइज़ हो रहा था। और शाम के टाइम सनसेट सामने होगा तो सनसेट का टाइम भी अच्छा होगा पर क्या होता है शाम के टाइम ना थोड़ा मौसम अक्सर ख़राब हो जाता है पहाड़ों में अक्सर और उस वजह से क्या होता है कि पैराग्लाइडिंग बंद हो जाती है जैसे कल भी बंद हो गई थी कल तो ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो गया था। और अभी ये 10-15 दिन और चलेगी फिर जुलाई अगस्त में बंद होती है अप्रॉक्सीमेटली पूरी बारिश का सीज़न होता है फिर 15 सितंबर के बाद ये स्टार्ट होती है। और सम एक्सपीरियंस था मतलब ऐसे ना मतलब बिल्कुल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जब आसमान में ना चील नहीं होती चील वल्चर जब ये हम बहुत ऊपर आसमान में देखते हैं और वो कोई फ्लैप नहीं कर रही है बस ऐसे ग्लाइड कर रही होती है आसमान में उधर से इधर इधर से उधर देखते हो ना कभी आसमान में चिड़िया वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और अब लग रहा है फैल्कन्स हो ना एक्चुअल में मैं और प्रशांत बात कर रहे थे कि हम एक्चुअल में फैल्कन राइडर्स फैल्कन्स वी बिकेम फैल्कन्स टुडे। और सो दोस्तों अब चलते हैं लंबी जर्नी है घर की करीबन 10-11 घंटे की जर्नी है थोड़ा रात तक पहुँचेंगे फुल डे चलना है गर्मियों के थपेड़े खाने हैं गर्म हवा के और आप साथ रहिएगा अभी छोड़ के मत जाइएगा पूरा घर तक का साथ चाहिए आपका ठीक है ओके बाय बाय। सो दोस्तों ऑल सेट निकलने के लिए फ्लाइस्केप से तो अभी इनका कुक है नहीं यहाँ पे थोड़ा कुक की दिक्कत चल रही है यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हमें चाय नहीं ली हमने चलो जी बम बम भोले तो 11 घंटे की जर्नी है दोस्तों 11 घंटे हम साथ रहेंगे और कितने किलोमीटर है 540 किलोमीटर है यहाँ से कांगड़ा होते हुए पालमपुर पाला रास्ता ये दिखा रहा है ठीक है। तो घर जा रहे हैं ये मत सोचना कि अब तो ख़त्म अभी पूरा दिन है मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ जुड़े रहना कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ बातें कुछ ना कुछ करते रहेंगे मतलब मेरे को तो 12 घंटे लगेंगे 11-12 घंटे आप शायद आधे घंटे में पहुंच जाओ आधे घंटा या फिर 40 मिनट में घर तो जुड़े रहना दोस्तों और डू शेयर लाइक सब्सक्राइब गाइस चाय के बगान दोनों तरफ चाय। अभी हम हैं
कौन सी जगह है, बैजनाथ क्रॉस के पपरोला गांव है, पपरोला गांव नहीं शहर है पपरोला आई थिंक, यस बैजनाथ के बाद अभी पालमपुर आएगा और पेट्रोल डला लें भाई, पेट्रोल एकदम ब्लिंक कर रहा है। बस अभी कहीं रुक के चाय पी लें, सुबह से चाय नहीं पी है, क्या क्या कर लिया सुबह से, बस चाय नहीं पी, चाय का चाय रहने दे। ओ गन्ने का जूस, चाय चाय चाय। ये रिफ्रेशिंग भाई, रिफ्रेशिंग, ये मस्त है। बस यार वीडियो मत खराब कर, ये अभी आप इतने एडिट देख रहे हो इस वीडियो में, कट 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 के गाली दिए जा रहा है एक घंटे से, उसे पता नहीं है मेरा यूनिवर्सल चैनल है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे बूढ़े बुजुर्ग ज़ॉम्बीज मतलब कोई भी देख सकता है। तब दो चाय भी बोली है और उससे पहले हमने दो नींबू पानी पी लिए, बेस बनाते सब ट्राई कर लेते, अभी बेस बनाया। तो कैसा आप सुबह का एक्सपीरियंस जा रहे हो? मन नहीं कर रहा था यार मेरा सीरियसली, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा जाने का वापस, पता नहीं मतलब वो पैराग्लाइडिंग के बाद ना ऐसी अच्छी सी फीलिंग आ गई थी, शाम तक फिर एक राउंड और हो जाएगा शाम के टाइम पे पैराग्लाइडिंग का, इवनिंग में सनसेट के टाइम, सनसेट के टाइम तसल्ली मिलेगी। मतलब ये नहीं सोचा था कि करना क्या है वैसे, सही बताऊँ बट ऐसा मन कर रहा था कि मेरे ख्याल से वो वहाँ रहने का मन ज़्यादा नहीं था, प्रॉब्लम ये थी सोच के साला वापस जाना है, वापस मतलब घर जाना है, घर आने का मन तो है, बीवी बच्चे देख के बोलेंगे साले तुम्हारे घर आने का मन नहीं करता, बट जो नीचे गर्मी है ना और जो अभी वो थपेड़े पड़ेंगे जैकेट के अंदर से गर्म गर्म एकदम, वो बाइक हमें बस वो सोच के थोड़ा सा लगता है। प्रशांत को ना, मेरे को तो तब भी आप लोग जानते हो थोड़ा, मेरे को तो तब भी हाईवे पे चलाने में थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, सो घंटा 1% एंजॉय नहीं करता ये, ऐसा बस ये होता है। आज बात कर रहा था, ये तो नेगोशिएट कर रहा था उनसे पैराग्लाइडिंग वाले से जब हवा में था कि भैया ऐसे ही ले चलो नोएडा तक छोड़ दो, सीधा छत पे लैंड करा दे। चलो भाई चलो 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 भाई चलो, मस्त नींबू पानी भाई, हाँ हाँ एकदम रिफ्रेशिंग, कल मैं जाता ही ना ऐसा गर्मी में नींबू पानी वो बंटे वाला तो और भी टेस्टी होता नहीं, और पहले हम बचपन में नहीं सोचते थे कि यार ये बॉल फंसती कैसे ऊपर, बॉल फंसाते कैसे, तो बेसिकली क्या होता है कि वो वैक्यूम से जब पानी उसको भरते हैं उल्टा आई थिंक बॉटल को, बॉटल बॉल अंदर होती है और वैक्यूम से एकदम भरते हैं और जब निकालते हैं तो ऊपर आके फंस जाती है वो, तो वैक्यूम का खेल है बेसिकली। बीच बीच में चाय के बगान आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे में सब जगह फैले हुए हैं पर काफ़ी हैं इधर, जैसे पूरा चाय के बगान है ऊपर, तो अगर आप गाड़ी वाड़ी से आ रहे हो या जो भी आप रुक के फ़ोटो वोटो भी खिंचा सकते हो देखो। और ये अभी क्या पेड़ है उस साइड ना, वो पहाड़ की रेंज चल रही है जो बर्फ़ बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो अच्छा है मतलब रोड बढ़िया है ये ना। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर है, यहाँ दिखेगा चल, वो देखो ऊपर ऊपर वो, ये क्या है विज्ञान सेंटर हो, साइंस सेंटर, पालमपुर साइंस सेंटर, ये भी अच्छा है, बच्चे बच्चों को अगर आपको घुमाना है साइंस सेंटर, यहाँ टिकट विकेट्स लगते हैं, वेरी नाइस, अच्छा ब्रेक हो जाएगा बच्चों के साथ जा रहे हो गाड़ी में, यू कैन हैव अ स्टॉप हियर,
वो भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं आपके गाने सुन सुन के बच्चे, तो थोड़ा उनको अच्छा था। नाइस नाइस। अंकल पीपल के पेड़ की छाव के नीचे, और ये दूसरा पेड़ है, यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और प्रशांत का इंतज़ार करेंगे। इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। नहीं क्या सेटअप है, बैठो आराम से। देखो देखो कौन आया, प्रशांत आया। तो फाइनली हम बिछड़ गए थे मेले में, अब दोनों वापस मिल गए। चलो चलो ओहो ढाबा मिल गया, और इसमें शेड भी था तो बाइक अंदर खड़ी हो गई धूप में, वरना तो पक जाती बाइक। भाई देखते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने को। सुबह से कुछ नहीं खाया हमने, और दो बज रहे हैं, मतलब दो नहीं बजे आई थिंक 1:40 हुए हैं, और एक्चुअली उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई क्या रोड है, मतलब बिल्कुल वैसी है, मतलब ऊपर नीचे और डबल लेन, लेस क्राउडेड। अभी यहाँ हमने ऑर्डर किया दाल तड़का, येलो वाली दाल मक्खन में फ्राई, और पनीर भुर्जी, तवे की रोटी है, अभी तंदूरी नहीं है। बाकी अभी 30-40 किलोमीटर और है हमारा रास्ता पहाड़ी का, आई थिंक 40-50 किलोमीटर। दो ग्लास गास बताया था, भैया रोटी एकदम परफेक्ट। चले भाई रेस्ट हो गया, खाना होगा बहुत बढ़िया, पनीर भुर्जी दाल तड़का रायता एकदम फर्स्ट क्लास, और आटे की रोटी, और एक्चुअल में ना आटे की ही थी वो, मैदे की नहीं थी, आटे की घी लगी हुई रोटियाँ। ओहो पलंग दे दो, खटिया दे दो सोने के लिए, वो भी थी इनफैक्ट यहाँ पे खटिया भी लेटने के लिए, पर हमें लगा कि मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेट नहीं सकते भाई, अब चलते रहना है, चलते रहना है। भैया आपका नाम? विशु। विशु भैया ने, ये देख रहे हो आप कूलर, ये पूरा कूलर विशु भैया के ऊपर था, पर हमारी हालत देख के विशु भैया ने सारा कूलर हमारी तरफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच भैया। है हाँ इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। थैंक यू, देख रहे हो भैया इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है सही में। अब आप सोच रहे हो जब इतनी गर्मी है सर तो गए क्यों थे घूमने? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही थप्पड़ मारा है, मतलब बिल्कुल सही थप्पड़ मारा मैंने, गए क्यों थे जब इतना गर्मी थी तो क्या करें यार, मतलब थोड़ा बहुत तो थोड़ी तो दिक्कत है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, नो गेन नहीं, नो पेन नो गेन। हाँ तो मैंने थोड़ा बड़ा बोल। कौन सी जगह भैया? रोपड़ के पास है, और रोपड़ भी है ना। चलो भैया चलो, इससे पहले कि फ्राई हो जाए। हेलो okay.
अच्छा आते हैं बे अभी सही सही चल रहा है। अब मजा आ रहा है, मतलब गर्मी नहीं लग रही और हवा अच्छी लग रही है। डॉक्टर डीजे क्या करने वाले हो? हाईवे पे ऑपरेशन है मेरे पास आज। एंड ये है पेशेंट। हाँ, तो अभी एनेस्थीसिया दिया है इसे, अभी मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। हमारे पास यही है इलाज के लिए, अभी डबल साइडेड टेप। तो मेरे को लगा इससे थोड़ा टाइम रुक जाएगा इसका, घर तक पहुंच जाए यार। अभी गियर डालने में दिक्कत हो रही है, कभी गियर ऊपर से डल रहा है, कभी बीच में से डल रहा है, और ये ना जब हवा लग रही है तो ऐसे फड़फड़ा रहा हूँ। आई थिंक दीज आर लाइक 4 to 5 years old, काफ़ी अच्छे चले हैं शूज़। बट मैं इनको ठीक करा लूँगा, बिकॉज वैसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जूते के अंदर, वेरी कम्फर्टेबल एंड गुड फॉर। कौन से हैं ये तो बता दे। क्वेचा डिकैथलॉन। I fall in love with the DJ, DJ. लगा दूँ? हाँ। ओके। तो। And the result is, how was the result? Is operation successful? Yeah! डॉक्टर साहब, आपने मेरे जूते की जान बचा ली, धन्यवाद। तो दोस्तों ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अब हम आगे बढ़ेंगे। पानीपत हो गए सर, फॉर रिफ्रेशमेंट? नहीं नहीं बस बियर भी है, वोडका भी, विस्की भी है। हरियाणा का मानना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। YouTube कहाँ गया सर? मैं बटन गलत दब गया मुझसे। थैंक यू सर। ये किसकी है? दोनों डाला हुआ फेस किसका? थैंक यू। सर जी ने हमें सब्सक्राइब करा, कर्टसी के लिए हमें थोड़ा चाय पानी के लिए भी पूछा उन्होंने, पर अभी हम बाइक चला रहे हैं तो अभी हम चाय पानी नहीं ले सकते हैं। एनी वे थैंक यू सर जी, आप चैनल के वीडियो में आए होंगे और आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे। चलो आराम से, ठीक है, आराम से जाइयो, कभी आप जल्दबाजी ना करियो, ठीक है, बाय। तो दोस्तों चलो बाय बाय, प्रशांत ऊपर से जाके सीधे नोएडा निकल जाएगा, मैं गाजियाबाद में हूँ। टेक केयर, हैव फन, एंजॉय गाइस, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। फिर से कहीं और जाएंगे कुछ टाइम बाद, तब तक कुछ और वीडियोस आएंगे। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लव यू ऑल, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।